रामगढ़ ब्लॉक के दर्शन सिंह चौधरी साहब, विजयपुर के बीडीसी के चेयरमैन योगेश्वर जी, मेरे साथ आए हुए टोलपुर के सरपंच रिटायर्ड कैप्टन जसवीर सिंह जी, उसके साथ बुर्ज टाड़ा से मेरे इस राया गांव के सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, मेरा सबको नमस्कार। बल्कि मैंने अपने वक्त में जो खिदमत सिर्फ राया की नहीं बल्कि अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सकता था, करने की कोशिश की। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, उन हालातों में गड़बड़ किया और मेरे लिए अभी ये नया एक्सपीरियंस है। मैं अकेला फैसला नहीं लिया, मैंने लोगों को मशवरा लिया, हर पंचायत के लोगों से बात की। अच्छा होता है, हाफ सदी के करीब मेरा सियासी कैरियर रहा। उस मतभेद हुए जिसकी वजह से हमें सख्त फैसला लेना पड़ा। जब उन्होंने गठबंधन बनाया, गठबंधन कश्मीर का बना, जम्मू का कोई आदमी नहीं लाया गया, ना डोडा किश्तवाड़ से, ना रजौरी पुंछ से, ना हमारे इस खिते से। तो हमने वहां पे अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाई कि अगर ये फैसला आप लोग एक सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, पहले के लोगों को इंटरेस्ट के देखते हुए फैसला लेते हो, तो हमें भी हक है आप जम्मू के लोगों के लिए फैसला ले और जम्मू को वहां पर उसके मुताबिक हमने ये फैसला लिया। और हमने ये तय किया है कि हम जम्मू में, चाहे मैं हूं राजेंद्र सिंह राणा जी, जिनका इस पार्टी में हम शामिल हुए, हमने ये फैसला लिया कि हम जम्मू की आवाज बनेंगे और जम्मू के लोगों के हित की बात करेंगे और जम्मू के नौजवान की बात करेंगे, जम्मू के किसान की बात करेंगे। उसके लिए हमने फैसला लिया। ये फैसला मेरा अकेला फैसला नहीं, यहाँ के आवाम का फैसला, यहाँ के लोगों का फैसला। जब वहां पे कोई सुनाई नहीं, हमें सबसे पहले जब जो आदमी, जो लोग, चाहे वो पीडीपी के लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं, जब पाकिस्तान की बात करेंगे, जब पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, क्या हमारा हक नहीं कि हम उन लोगों को यहां से बढ़ाएं? सबसे पहले हमारा देश, हमें देश के लिए बात करनी है। हम जब पहले भी हम काम करते थे, हमने जम्मू में समाज के लोगों की बात की। और आज हम बीजेपी में आए हैं, यहां चुप बैठे वाले नहीं, हम चुप करके सुनते रहेंगे। मैंने आपके और मेरी जनसभा भी आए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता में वहां थे, मैंने कहा था वहां कि ये लोगों को जमीनों पर वोट लाना बंद करो। मैंने कहा रेत बजरी का मसला हल करो। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मैं करने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे साथ, इसलिए आगे बात करना चाहता हूं। हमने इनको ये भी कहा है, हमने गवर्नमेंट साहब से बात की कि क्यों नहीं हम फैसला करते पीएचसी वालों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो सालों से चाहे वो पावर के लोग, बिजली वाले लोग हैं, कई वर्षों से आज तक उनको परवाना नहीं दिया जा रहा, उनके तनख्वाह में लगा पड़े हुए, हम इनकी आवाज उठाएंगे। और नौजवान जो बेरोजगार है, हम बेरोजगारी के लिए कोई साधन बनाएंगे जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी समस्या है सभी बेरोजगारी की, हमारे बच्चों और बच्चियों के हमने कहा कि जितने भी आसामियां खाली इमीडिएटली उनको रेफर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे दो हो, चार हो, पचास हो, 500 हो, 60,000, कम से कम हम बच्चों और बच्चियों को हक मिल सके।
उसमें अब स्टेज में जाने की जरूरत है। हम एलजी साहब को बताए किस पे कैसे जाइए ताकि लोगों के जो काम निकल सके, हम लोगों के लिए नौजवानों का कोई साधन बना सके। किस बात की सरकार, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ ही हमें जंग लड़नी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में उभर के सामने आई, ताकि इसको हम ये लड़ाई यहाँ के लोग लड़ सकते, यहाँ का नौजवान लड़ सकता है, जो बढ़ता हुआ नौजवान है उसको रास्ते पे लाने वाला उसका दोस्त बन सकता है, ताकि वो सही रास्ते पे चले। बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी को इस तरीके से मत हम अपने आप को करें। हमें खेलने के लिए मैदान चाहिए, आप खेलने के लिए तवज्जो दे दीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने सेहत पर होंगे तो शायद ये दिन चीजों का भी जो है निपटारा हो सकता है। राशन दिया, फ्री राशन, घर तो नहीं पहला राशन भी मिला, साथ में चना भी मिला, साथ में तेल भी मिला, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मुझे बताइए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि लोगों की बात चाहे आपके पास दो किनाल है, पांच किनाल है, लेकिन किसानों के खाते में 6000 साल का आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, जिनके पास अब किसी की होगी नहीं तो वहां मैं क्या कर सकता, जिनके पास थी जिन्होंने लिखाया उस समय पर अपना काम किया तो उनके खाते में ये पैसा जो है नहीं जाना पड़ेगा, जो जाना नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर लाज आपका यहाँ पर होगा। आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 10 दफा सोचते होंगे कि किसकी गाड़ी लेके जाएं, यहाँ पर ऑटो पर बैठ के भी मेटाडोर पर बैठ के भी दिल्ली को दरबार हो सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके को। एज ए वाइस प्रेसिडेंट बनने का ये पहला दौरा है राया के अंदर, इस कंडी के अंदर कल में श्री विकपाल सिंह जी राजेंद्रपुरा में उनके वहां पर जलसा था, आज यहाँ है, उसके बाद बाड़ी बरौड़ी में है। तो इसलिए मैं कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई शायद ये सांबा में जलसे कर रहा, कहते हैं कि कहीं सोंठ में जलसा करता है, कहीं नद में करता है, कभी कहीं करता है। देखिए मैं रियासत का लीडर हूं, मुझे हर जगह ड्यूटी है कि आपको पार्टी के प्रोग्राम को आगे ले जाना है कि आने वाले इसी साल में इलेक्शन हो। इलेक्शन ही एक प्रोसेस ऐसा है जिससे आप लोगों की आवाज, आप लोगों की मुश्किलात का साधन बनता है जो वहां का विधायक होता है, जिससे कामकाज में तेजी आती है और अकाउंटेबिलिटी बनती है। आज की डेट में अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम है, क्योंकि सरकारी राज है, अफसरशाही है, तो उसके मुताबिक वो अपना तरीके से काम करते हैं। जब हम लोगों के जिम्मेवार बनेंगे, जब हमें अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम भी अफसर को अकाउंटेबल बनाएंगे। तो इसलिए इलेक्शन जरूरी है, हो सकता है इलेक्शन जल्दी भी आए, तो जब भी आएगी आपने उस वक्त में भी आपने हमेशा उस पानी को उल्ट पानी बहाया है, आज तो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, इसलिए आप मत चिंता करिए, आपने सब मिल के खूब जोर जोर के काम करना है। तो इसलिए मैं आप सबका, नौजवान बच्चों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, सबका शुक्रिया करता हूँ, जहाँ के मकामी से पैसे आपका, इनके पंचों का, और जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ ही जहाँ तशरी रखते हैं, जो हमारे साथ है, हमें सबको मिल के चलना है, और जो भी टीम हमारी है सब ने ज्वाइन किया है, सब साथी मिल के चलेंगे और हम इस इलाके की मजबूती के लिए, इस रियासत की मजबूती के लिए काम करेंगे, और आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोई कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके बीच हूँ, आपके बीच ही रहूंगा, इसमें कोई घबराने की बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए